फिल्म की कहानी की जो सेंटर कैरेक्टर है, जैसा मैंने पहले ही बताया कि वुमेन ओरिएंटेड सब्जेक्ट है, तो एक लड़की की कहानी है और लड़की है क्रिश्चियन, उसका नाम है मारिया, मैरी भी बोलते हैं उसको फिल्म में। एक मैरी की कहानी है, क्रिश्चियन लड़की की कहानी है। शी इज़ अ गोल्डन हार्टेड गर्ल, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल हार्ट, बहुत अच्छी लड़की है, दिल से बहुत फ्रेंकली किसी से मिलती है, अपने पुराने दोस्तों से बहुत अच्छे से मिलती है और बहुत ट्रस्ट करती है। उस लड़की की एक जर्नी है, तो अपने दोस्त के पास जाती है, लेकिन उस फेस वही करती है कि मतलब सब जगह वो यही फील करती है कि उसके, चूँकि बहुत फ्रैंक है, बोल्ड है, कॉस्ट्यूम्स पहनती है, जैसे भी व्हाटएवर मॉडर्न कॉस्ट्यूम पहनती है, लेकिन वो फाइनली ये महसूस करती है कि लड़कों का टेंडेंसी वही है, सेट है ना, कपड़े के अंदर झांकने की उनकी कोशिश है कि वहाँ तक कैसे पहुँचे। बहुत अच्छी लड़की की कहानी है। फाइनली एंड ऑफ द क्लाइमैक्स में ये रिवील करते हैं हम कि, और उसी वही इस कहानी को फिर आगे बढ़ाती है, और एंड ऑफ द क्लाइमैक्स फिर ये इस्टेब्लिश होता है कि लड़कियाँ जाएँ तो कहाँ जाएँ, सब जगह जो है गिद्ध की नज़र है, ये लड़कियों का मुकद्दर है कि वो कहीं भी जाते हैं, कहीं भी जाती है, तो कितना भी ओपन माइंडेड जाए, कितना उसके अंदर के हर्ट को कोई देखने की कोशिश करता नहीं है, किसी भी तरह से जाए, लेकिन टेंडेंसी सेट है कि भाई उसके फिजिकल स्टेटस को भापा जाए, वहाँ तक पहुँचा जाए, यही है। तो इस कैरेक्टर को जो है, यह है कैरेक्टर। बाकी फिल्म का जो लीड कैरेक्टर है उसका नाम है अमन, है ना, इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ मारिया। उसके बाद तीसरा कैरेक्टर है कुमार, है ना, तीन कैरेक्टर हमारी फिल्म में, सिर्फ तीन कैरेक्टर हैं, एंड ऑफ द क्लाइमैक्स में एक आध कैरेक्टर्स और भी आते हैं, और तीन एक्टरों से हमारी फिल्म की कहानी डेवलप होती है और बहुत अच्छे इंटरटेनर तरीके से चलती रहती है। एंड ऑफ द क्लाइमैक्स में जो है, जब चीज़ें रिवील होती है तो बहुत इमोशनल हो जाती है कहानी वहाँ, और वहीं हम जो है एक जगह पर जाकर फिल्म को छोड़ते हैं और ऑडियंस को ये सोचने पर मजबूर करने की कोशिश करते हैं कि वुमेंस के प्रति जो है अपना ट्रेंड, अपना जो नज़रिया है वो सेट होना चाहिए।